दोस्तों ये तस्वीरें हैं महेंद्रगढ़ के हुड्डा पार्क में, जहां पे बताया गया था कि 5 बजे कार्यक्रम होना है और कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो चल रही हैं। भगवान राम की तस्वीरें, दीपावली का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा यहां पे आज। हर तरफ फूल मालाएं और सजाने का कार्य यहां चल रहा है। आप इधर देखेंगे, एक बार दिखाए वीडियो में कि दीपक ही दीपक यहाँ लगा रखे है। दीपक में तेल डाल के, रुई डाल के तैयार कर दिए गए हैं। पूरी एक बार वहां तक दिखा दे जूम करके कि किस प्रकार से दीपक जो है वो तैयारी के लिए तैयार है जलने के लिए। 5 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, अभी करीब 3:30 बजे है। यहाँ जो तैयारियां चल रही हैं, जो तैयारी करने वाले महेंद्रगढ़ के अपने साथी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि तैयारियां जो है वो किस प्रकार से चल रही है। इधर एक आर्ट किया जा रहा है, किस प्रकार का है वो भी आपको दिखाएंगे कि बहुत से साथी हमारे यहाँ खड़े हैं और ये आर्ट आप देखें कि किस प्रकार से जो आर्टिस्ट हैं वो इसमें लगे हुए हैं। यहाँ बीच में दीपक और अलग अलग कलर से जय श्री राम लिखा हुआ है। आप देखें एक बार पूरी, यहाँ भगवान राम खड़े हैं, त्रिशूल हाथ में है और आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। सामने राम मंदिर की तस्वीर लगाई हुई है। तभी यहाँ जो पूरा डेकोरेशन किया गया है, चारों तरफ दीपक ही दीपक है, लाखों दीपक आज यहाँ जलने वाले हैं। तो यहाँ हमारे जो देख रेख कर रहे हैं वो साथी भी साथ हैं महेंद्रगढ़ के, इनसे बातचीत करेंगे। तब तक आप देख लें कि किस प्रकार से कहीं ओम, कहीं साथिया, कहीं कुछ बनाया गया है। तो हमारे साथ मित्र जी आ जाए, कैसे हैं? ठीक है, आज तो खुश हैं लगातार, बहुत खुश। लंबे समय से चल रहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस प्रकार से तैयारियां होंगी, तो कैसे चल रही है जीवन की? चलते जो तमन्ना थी पूरी होगी कि हमने जिसके लिए स्वप्न देखा था, इतना संघर्ष किया था और हमारे पूर्वजों ने लाखों बलिदान दिए थे, 500 साल का संघर्ष था। आज जब भगवान की हमने मूर्ति देखी तो आंसू रुके नहीं और मन प्रसन्नता से, आज जितनी प्रसन्नता जीवन में कभी नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि भारत के अंदर राम राज की वापसी, ये राम राज के संकेत हैं कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ये केवल भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये भारत के विश्व की मार्गदर्शन की ओर बढ़ते कदम है। और भारत, ये केवल राम मंदिर जो उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर, ये हमने पहली लड़ाई जीती है। 3 लड़ाई हमारी थी, अयोध्या, मथुरा, काशी, 3 लड़ाइयां तो हम इसी वर्ष जीतेंगे और 40,000 मंदिरों पर जो हमारा दावा था वो हम शीघ्र पूरा करेंगे। भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनने से अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के अंदर उत्साह देखते होंगे किस तरह से, सुबह से आप देखेंगे तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, दीपक कम पड़ रहे हैं, लोग ज्यादा हैं। अगर ये स्थान और बड़ा होता तो इससे ज्यादा संख्या के अंदर दीपक लग सकते थे। और उत्साह में कोई कमी नहीं है, सब बच्चे, बूढ़े, बाल, जवान, महिलाएं, औरतें, सैलाब के सैलाब यहाँ पर। तैयारियां चल रही हैं इस कार्यक्रम के लिए? ये 1 महीने से कार्यक्रम की तैयारियां रही। हमने सभी वार्डों में महिलाओं के बीच में ये बात रखी और महिलाओं ने स्वयं स्फूर्त होकर के अपनी योजना से प्रत्येक घर से इस दीपक के लिए राशि एकत्र की और राशि एकत्र करके पूरी प्लानिंग कि किस तरह से दीपक जलेंगे, कितने ब्लॉक बनेंगे, कौन सा ब्लॉक कहां पर होगा, पार्क की सज्जा कैसे होगी, क्या प्रसाद होगा। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर 20 महिलाओं के समूह डीजे, ढोल और भिन्न तरह से साज सज्जा होकर के विभिन्न मार्गों से जब यहां पर प्रवेश करेंगे तो उस पार्क की सज्जा देखने लायक होगी। और ये मैं समझता हूं, जहां तक मुझे पता है कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो 1,01,101 दीपक का कार्यक्रम है,
यह कार्यक्रम हरियाणा का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं सभी नवयुवकों को, हमारे साथ अनेक नवयुवकों के समूह जुड़े, महिलाओं के समूह जुड़े, मैं समझता हूं कि महेंद्रगढ़ की कोई महिला इस कार्यक्रम से अछूती नहीं है जिस तक ये मैसेज ना पहुंचा हो। हमें तो अनाउंसमेंट की या अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोगों के अंदर इतना उत्साह था, अपने आप जुड़ते गए। अनेक दिनों से ऐसे समाचार आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि ये कार्यक्रम ऐसा होगा ऐसा होगा, और पूरे हरियाणा के अंदर इस कार्यक्रम की गूंज सुनाई दे रही है। तैयारियां सुबह से चल रही है, यहाँ पर सुबह 9 बजे बच्चे, परिवारों से महिलाएं आना शुरू हो गए थे, और ये 9 बजे से उन्होंने, ये कितना सुंदर दृश्य आप दिखाएंगे, कहीं ओम है, कहीं स्वास्तिक है, कहीं श्री राम है, कहीं भिन्न प्रकार की रंगोलियां है, कितनी सुंदर ध्वजा लगा करके यहाँ पे सज्जा की गई, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो लाइव टेलीकास्ट था, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट है, और यहाँ पर कम से कम उस समय 5000 आदमी थे जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। लोगों में उत्साह है अपने आप से ही, उत्साह आपके मैं कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको आपको दिखाई देगा उत्साह, तो सबकी चेहरों पर भी दिखाई देगा, प्रसन्नता दिखाई देगी। और ये तो भगवान राम का, भारत के अंदर राम राज की स्थापना, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि भगवान राम के राम राज की स्थापना हो चुकी है, और उसका श्रेय, इसके लिए हमें और लंबा संघर्ष करना पड़ सकता था, किंतु भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से उस आदमी ने, उस महान विभूति ने रात दिन एक करके ये जो भारत का स्वप्न था इसको साकार करने का काम किया। बड़ी मेहनत की है, मेहनत वो आदमी हम अभी देखते हैं कि 11 दिन से तो प्रधानमंत्री जी अनुष्ठान पर बैठे हैं, प्रत्येक मंदिरों के अंदर जाकर के दर्शन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर भी आप देखोगे तो उसकी छटा भी न्यारी है, और जो बाकी काम है काशी विश्वनाथ मंदिर का वो भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही होना है, और जो मथुरा का भी काम है, जो वहां पर एक नापाक ढांचा खड़ा है वो भी शीघ्र हटने वाला है। और मैं तो मोदी जी से कहूंगा कि इन 3 स्थानों के साथ में जो 40,000 स्थान आतंकियों ने, विदेशी लुटेरों ने जो यहाँ पर कब्जाए हुए हैं, और जो पवित्र स्थानों को जिन्होंने नाकाम नापाक किया हुआ है, उन सभी स्थानों पर तुरंत कार्रवाई करके वो सारे स्थान हिंदुओं को सौंपे, ताकि हिंदू निर्बाध रूप से वहाँ पर अपनी पूजा अनुष्ठान कर सके। जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, महेंद्रगढ़ आज ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में हो रहा है, अयोध्या बन रहा है महेंद्रगढ़ मात्र शक्ति में, युवा में, प्राण प्रतिष्ठा महेंद्रगढ़ में हो रही है, जैसे महेंद्रगढ़ में हो रही है ऐसा लोग बता रहे हैं, और अलग अलग तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन की गई है। और भी साथी उनसे बातचीत करते हैं, तक आप बने रहिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक बिल्कुल, बहुत अच्छा। तेज आवाज से आप बोल रहे थे, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, अलग अलग डेकोरेशन है, क्या कहेंगे? हम पिछले 1.5 महीने से इस कार्यक्रम के निमित्त लगे हुए थे, और महेंद्रगढ़ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया। आज 1,01,101 दीप यहाँ इस प्रांगण में लगे हैं, और ये जलाने के लिए मातृशक्ति नगर के भिन्न भिन्न मोहल्लों से और डीजे के साथ हजारों की संख्या में इस प्रांगण में पहुंच रही है। सुबह से हम जो लाइव कार्यक्रम चला रहे थे, 10,000 लोगों की उपस्थिति यहाँ हो चुकी है। ये एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम मातृशक्ति ने बनाया। भगवान राम का ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिला है। हमारी कई पीढ़ियां इस कार्य के देखते देखते कि कब राम का मंदिर बनेगा वो चली गई थी, और यहाँ तक कि हमारे साथ जाने वाले कार सेवक जो 90 में मेरे साथ अयोध्या गए थे, उनमें से भी 70% भगवान राम के चरणों में जा चुके हैं, उनको वो देखने का अवसर नहीं मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राम के
इस प्राण प्रतिष्ठा को भी देख रहा हूँ और मैंने कार सेवा भी देखी थी, वो जेल के दिन भी देखे थे जब सरकार गोलियां चलाती थी कार सेवकों पर, और आज हम वो दिन देख रहे हैं जब ये पूरा समाज कार सेवकों के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहा है। इससे ज्यादा सौभाग्य का कोई दिन नहीं हो सकता। महिलाएं और बच्चे दिल खोल के काम कर रहे हैं, इतना बड़ा योगदान है महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का, और सभी के सभी बच्चे और महिलाएं अपने राम में हो गए हैं, इनके अंदर राम नजर आता है, ऐसा अवसर हमें मिल रहा है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन भी विद्यार्थियों ने और जिन अध्यापक भी मंत्र कुछ विद्यार्थियों को लेकर के आए इस सारी रचना के अंदर, उन्होंने ये रचना करवाई, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं उस मंदिर की मातृशक्ति का जिन्होंने कई बार विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भी काम किया है और इतना बड़ा काम किया कि आज महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा कार्यक्रम इस हुड्डा पार्क में हो रहा है, जो अपने आप में एक इतिहास लिख रहा है। हरियाणा का भी सबसे बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, हरियाणा का नहीं, ये इस क्षेत्र का ही बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें मातृशक्ति इतनी संख्या में कार्यक्रम होते हैं लेकिन मातृशक्ति इतनी बड़ी सहभागिता करे और इतने अपने मन के साथ करे वो कार्यक्रम, क्योंकि कार्यक्रम की चर्चा भी हो और कार्यक्रम में खर्चा भी कम हो वो कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर चर्चा बहुत पूरी हुई और चर्चा के साथ सभी के अंदर राम समाया। इस कार्यक्रम की चर्चा पूरा हरियाणा में होगी, पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ देखिए कि इस प्रकार से धनुष बनाया गया है, दीपों से जो बनाया गया है, और आगे ओम बनाया गया है, कहीं कुछ बनाया गया है, कहीं जय श्री राम लिखा गया है, तो बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारी की गई है। तभी और आगे जो अंतर कार्यक्रम हो रहा है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज 16 के साथ। अभी हम पार्क के बीच में जहाँ पे फुहारे चलते हैं, लेकिन चलते बहुत कम थे ये, क्योंकि नगर पालिका ठीक नहीं करवाती थी, एक बार दिखा दें चारों तरफ घुमा के किस प्रकार से दीपक यहाँ लगाए गए हैं। बड़ी मेहनत है बच्चों की, महिलाओं की, शहर की, और अच्छे तरीके से यहाँ डेकोरेशन किया गया है। ये जो पूरी टीम खड़ी है इनकी बड़ी मेहनत इसमें रही है, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ इन्होंने यहाँ किया है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सोनिया जी। अच्छा, महेंद्रगढ़ से ही है जी? महेंद्रगढ़ से। क्या कुछ कार्य किए हैं आप लोगों ने? कार्य जी हमारी ये वैसे एक महीने से तैयारी चली हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा जो भगवान की अयोध्या में होनी थी, पिछले एक महीने से चल रही है। पिछले एक महीने से ही अलग अलग जाके मीटिंग की जा रही है और लोगों से मिला जा रहा है, जिनसे भी हम मिल रहे हैं उन लोगों में खूब प्रोत्साहन है। और आज हमारे जो 22/1/2024 अयोध्या में प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए ही एक महेंद्रगढ़ में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया, जिसमें 1,11,000 हमारे यहाँ दीपक जलाए गए हैं, जिसमें बच्चे से लेकर बढ़े से बड़े बुजुर्ग तक महिलाएं सब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और सभी में उत्साह है। सभी कल भी पूरे दिन यहाँ पे हमने काम किया और आज भी सुबह सब लोग आ गए, सुबह से लग रहे हैं। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा है। अच्छा, क्या क्या काम करवाया आपने आज यहाँ पे? मैंने कल करवाया था, झंडे लगवाए थे मेरे पापा के साथ, और आज दिए रखवाए हैं, रंगोली मंदिर में दिए जलाने हैं। हाँ, अच्छा, कैसा लगा यहाँ काम करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। क्या नाम है भाई साहब? अश्विनी यादव, मेघनवास। मेघनवास से जी। कैसा लग रहा है महेंद्रगढ़ की हुड्डा पार्क का? बहुत अच्छा लग रहा है जी। 500 सालों में हमारा ये सौभाग्य है जो हम ये राम प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिली। 10 पीढ़ियां निकल गई जिनके भाग्य में था ही नहीं देखना, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें देखने को मिला। जी भाई साहब कैसे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि महेंद्रगढ़ में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, दिल खुश हो गया। कुछ नहीं होता था लेकिन अब एक कार्यक्रम बड़ा, बिल्कुल सिर्फ मोदी की वजह से। थैंक यू। बड़ी मेहनत रही इसके पीछे। बिल्कुल जी, सभी युवाओं सारे बच्चों की, सारे सांसद ने काम किया। भाई साहब ने ऑर्डर लिए थे। हाँ जी, हमने ये मिट्टी के दीप दिए बनाने के लिए ऑर्डर लिया हुआ था, 1,00,000 दिए, पूरी दिन रात मेहनत करके हमने मिट्टी के दीपक बनाए हैं। कितने दिन में बना दिए 1,00,000? पूरे अपने जी हमारे 15 दिन में बन गए मिट्टी के दीपक। कितने लोगों को लगाया ये? पूरी फैमिली में कम से कम 10-15 लोग लगे हैं हमारे, ये मिट्टी के दिए बनाए हैं, बड़ी बहुत लगन से और बहुत मेहनत से हमने ये काम किया। पूरी फैमिली लगी थी लगाने बनाने में या? पूरी हमारी फैमिली लगी थी मिट्टी दिए बनाने के लिए। जी क्या नाम बेटा? आदित्य। आदित्य, तो कुछ किया है? घूमने आयो, अभी देखने आयो? मैंने दिए में तेल डाला और दिए भी लगाए। और दिए भी लगाए हैं? हाँ। अच्छा, और क्या क्या किया? और इसके अंदर बत्ती डाल लिया। बहुत अभी थोड़ी देर में जलाने का समय होने वाला है। कैसा लग रहा है? रोज तो वैसे घूमने आते थे लेकिन आज तो कुछ और ही दिख रहा है पार्क में। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। राम मंदिर बन रहा है। अरे वाह।
तो क्या नाम है आपका? कुंज। क्या क्या करवाया आपने? मैंने दिए लगवाए और उनके अंदर तेल डाला। स्कूल की छुट्टी थी क्या आज? यस सर। अच्छा, तो सुबह से लग रहे हो? यस सर। और क्या क्या किया है? और घूम रहे हैं। घूम रहे हो, फिर रहे हो, वाह जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ जो पार्क था जहाँ पे होते थे भाई पहले, यहाँ फवारे ये जो चलते थे काफी कम ही देखने को मिलते थे, क्यों नगर पालिका चला नहीं पाती थी इनको, कभी पानी नहीं है, कभी मोटर नहीं है, कभी लाइट नहीं है। लेकिन आज यहाँ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और यहाँ पे आज दिए जलेंगे भारी संख्या में। जी आप भी लगे हुए हैं? जी जी जी। कब से लग रहे हैं? हमें 11-12 बजे से लगे हुए हैं यहाँ पे। पहले दीपक जलाए, यहाँ ये दिए रखे हैं, फिर इनमें बाती डाली, अभी तेल डालने लग रहे हैं और फिर शाम का भी जलाएंगे। बड़ा मजा आ रहा है जी। हाँ जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे साथ ही लगे हुए हैं सब। साथ ही लग रहे हैं। जी जी जी। अब देखो यहाँ पे तेल डाल रहा है बेटा, वाह भाई वाह। ये देखो गुड़िया लग रही है तेल डालने को। कितने देर से लग रहे हो अंकल? हम 5-6 घंटे हो गए। 5-6 घंटे हो गए, आज नहीं दुख रहे? अच्छा अजी, क्या नाम है आपका? वंशिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। कब से लग रहे हो यहाँ? यहाँ पर हमको बहुत देर हो गई। बहुत देर होगी? हाँ। टाइम का पता ही नहीं है? नहीं। अरे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बच्चे सारे खुश हैं काम करके, और लाजवाब कार्यक्रम होने वाला है महेंद्रगढ़ के हुड्डा पार्क में, जहां 1 लाख से अधिक दीपक, अब 5 बजे कार्यक्रम होगा, जलाए जाएंगे। वीडियो आप बाद में देख रहे होंगे, कार्यक्रम हो चुका होगा, लेकिन ये पहले का वीडियो है। कैसा लगा आपको वीडियो, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और देखते रहें इंडिया न्यूज 16।